इसमें क्या होगा देखो, जो एल होगा, अगर एल शेल, एल शेल में हमने क्या किया, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 एंड 1, यानी कि 2 वैल्यूज आ गई। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एल शेल होता है इसमें कंटेन 2 सबसेल, क्योंकि 2 वैल्यू आ गई तो इसका मतलब 2 सबसेल है, और वो कौन से हैं, दैट इज एस एंड पी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो 0 किसके लिए आया, एस के लिए। एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, जो पहले स्टार्टिंग में मैंने लिखा 0, तो एस के लिए ये फिक्स याद रखना। पी के लिए इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, दोनों की चीजें याद रखना आपने, ठीक, 0 एंड 1 याद रहेगा। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी हर हमेशा, और एस के लिए एल की वैल्यू 0 होगी। ओके सर। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरा कौन सा है, एम शेल। एम शेल का मतलब एन इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, 0 टू n-1। अब n तो 3 है, तो 3 माइनस 2, तो 0 2 3-1 यानी 2, तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 एल की वैल्यू। एल की कितनी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल सॉरी एम शेल है, एम शेल में 3 सबसेल है। एन शेल कंटेन 3 सबसेल, एस पी एंड डी। एस की वैल्यू कितनी है, 0, पी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2, ये याद रखना आपने। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में भी काम आता है। एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2 फॉर एम सबसेल, सॉरी एम ओके सेल सर। में 3 सबसेल होंगे एस पी डी, और एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2। क्लियर है, यस सर। तो ये हो गया। अब एक और बता देता हूं, इसमें एन के बाद आता है एन। ठीक है, तो हम आते हैं एन शेल में। एन शेल का मतलब एन इज इक्वल टू 4, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एल की वैल्यू होगी 0 टू n-1, ये हो जाएगा 0 टू 4-1 यानी 0 टू 3। तो 3 का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 एल की वैल्यू। तो ये टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज आ गई। 4 वैल्यूज का मतलब हुआ कि जो क्या होता है, ये एम एन सॉरी एन सेल है जो कंटेन 4 सबसेल, इसमें 4 सबसेल है, और कौन कौन से हैं वो, एस पी डी एंड एफ, इसमें चारों के चारों सबसेल हो जाएंगे। एस की वैल्यू फिक्स है 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 3, एस पी डी एंड एफ। ठीक है, तो ये है आपका क्या, 4 सबसेल एन केस में। ठीक है, तो इस समझ में आया। यस सर। अब देखो, एनर्जी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, एनर्जी के लिए एनर्जी एनर्जी में 2s और 2p, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सर 2P टू की हाँ 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, जो ज्यादा होगा, जैसे सेम की बात कर रहा हूं मैं, 3s 3p 3d, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, थ्री डी की। पी की, फिर एस की, है ना। सेम के लिए अगर मैंने कहा 4s 4p 4d 4f, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सबसे 4f, सर 4F की, फिर 4d 4D, फिर 4p 4 रुपी। और हाँ ठीक है, 4s की सबसे कम। तो ये एनर्जी का लेवल, ठीक, एनर्जी का लेवल है।
तो ये एसपीडीएफ में एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर डी की, फिर पी की, फिर एस की, एक ही सबसेल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर सबसेल, अगर मुझे सबसेल में निकालना है, एक फॉर्मूला है, वैसे हम आगे वैसे भी निकाल सकते हैं प्रूफ करके, 2 × 2L+1। ठीक है, अब मैंने कहा बताओ L=0, L=0 मतलब S सबसेल। अब S सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू को यहां रख दो, L=0 कितना आएगा, 2 × 2 × 0+1। ठीक है, तो 2 0 का 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया पोर्शन। अच्छा, 2 आएगा आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि एस सबसेल आंसर में इज मैक्सिमम 2 2। इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक यस है, सर। ऐसे मैंने कहा L=1, यानी बताओ पी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसको यहाँ पे रख दो, सिक्स 2 सिक्स इंटू हाँ 6, तो ये हो जाएगा 2+1 3, 3 2 6, यानी कि पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे मैंने कहा L=3, यानी डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या फोर्टीन करेंगे, 2 × 3+1, तो नहीं 14 तो नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 2, L=2, D है ना, तो पहले 0 1 2, 2 के लिए यहाँ पे 2 लिखना है, कितना सर, टेन आएगा, हो जाएगा। 10 हो जाएगा। D सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और मैंने कहा L=3, यानी F सबसेल, फोर्टीन हाँ 14 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इतने होंगे, बस इससे कम होंगे लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते, 2 × 3+1, तो ये 14, तो ये याद रखना आपने। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, मैंने कहा था ना अभी हमने लिखा है, अब हम उसे प्रूफ करेंगे हर एक चीज को, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एफ में 14 हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। अब आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होगा, यह गिवन बाय लिंडे और इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय एम, डिनोटेड बाय एम, तो ये जो है एम से डिनोट होता है, पहली चीज। सेकंड चीज जो इसमें है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर सबसेल, ये क्या बताता है, ऑर्बिटल बताता है। पहले वाले ने क्या बताया था, शेल, दूसरे ने सबसेल, तीसरे क्या बता रहा है, ऑर्बिटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर सबसेल, पर्टिकुलर सबसेल, एक पर्टिकुलर सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं। ठीक है, और फोर्थ वन ये बताता है, नेक्स्ट वन सॉरी, इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, या ऑर्बिटल, उसका ओरिएंटेशन कैसा, मतलब वो कैसे फैला हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर हो गया? यस सर।
अब देखो ये पता करेंगे हम कि सेल में, सब सेल में कितने ऑर्बिटल है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी, अब हम उसको पता करेंगे। तो उसके लिए देखो इसमें है वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल। जो वैल्यू ऑफ एम है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ एल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना एम इज इक्वल टू होता है माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल, यहां तक की वैल्यू होती है किसकी, एम की। किस पे डिपेंड करेगी, एल पे। अब देखो अभी हम पता करेंगे कि वन बाय वन कितने ऑर्बिटल है, ठीक है, सब सेल में। तो अब वन बाय वन करते हैं। देखो ये याद रखना एम इज इक्वल टू माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल, क्लियर। यस सर। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन से। पहले मैंने कहा बताओ एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो मैं इसको वैल्यू को पुट करूंगा। एम इज इक्वल टू, देखो इसमें एल इज इक्वल टू जीरो होता है, एस सब सेल मीन्स एल इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे रखो माइनस जीरो फिर जीरो फिर प्लस जीरो, तो इसका मतलब जीरो हो गया आंसर, एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है। एम की एक वैल्यू मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है, वन वैल्यू मीन्स वन ऑर्बिटल, यानी कि एस सबसेल कंटेन वन ऑर्बिटल, ठीक है, कंटेन वन ऑर्बिटल। फिक्स है कि वन ही ऑर्बिटल होगा, और वो भी कौन सा है, एस ऑर्बिटल बस, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो एस सबसेल है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, उससे ज्यादा ऑर्बिटल उसमें है ही नहीं, क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद सेकेंड वन आता है पी सबसेल, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू वन। अब इसको यहाँ पे रखो एम इज इक्वल टू माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल, तो क्या हो जाएगा माइनस वन जीरो प्लस वन। तो इसकी तीन वैल्यूज आ गई, ठीक है, इसकी कितनी आ गई, तीन वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी सबसेल होता है उसमें तीन ऑर्बिटल होते, ठीक है। ओके सर। अभी हमने अभी लिखा था ना, अब हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। देखो माइनस वन जीरो एंड प्लस वन, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। देखो पी एक्स के लिए माइनस वन, पी वाई के लिए जीरो, पी जीरो और पी जेड के जेड के लिए, लिए तो प्लस वन। ये वैल्यू फिक्स है। तो ये याद करना है इसके साथ साथ, वैल्यूज के साथ साथ। तो हमने ओके सर। प्रूफ कर दिया कि पी सबसेल कंटेन थ्री ऑर्बिटल, पी दैट इज ऑर्बिटल, पी एक्स पी एक्स, पी पी वाई वाई और पी जेड। एंड पी जेड, क्लियर है। यस सर। ऐसे हम दूसरे को करेंगे, देखो डी सबसेल को। डी सबसेल में क्या होता है एन इज इक्वल टू टू, ठीक। अब इसको यहां रख दो वैल्यूज को, क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस एल माइनस जीरो टू प्लस एल, क्या हो जाएगा माइनस माइनस टू टू प्लस माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, ये हो जाएगा ना माइनस टू टू जीरो टू प्लस टू। तो माइनस टू से जीरो में क्या होगा माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यूज आ गई, फाइव वैल्यूज। फाइव वैल्यूज। मींस कि इसमें डी फाइव सबसेल फाइव कंटेन, डी ए सबसे सबसेल कंटेन फाइव ऑर्बिटल, जो हमने फाइव करवाए थे ऑर्बिट्स। आपको फाइव ऑर्बिटल वो इसमें आ गए, ठीक यस है। अब इसको याद भी रखना है, पहले वाले को कहते हैं डी एक्स वाई, फिर ये वाई जेड, ये है जेड स्क्वायर, फिर सर। वाई जेड सॉरी एक्स जेड, और ये लास्ट है एक्स डी स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर माइनस वाई। वाई स्क्वायर। ये याद रखना आपने, क्योंकि तो ये आगे काम आएगा। इसकी वैल्यू फिक्स है, एक्स वाई मीन्स माइनस टू, वाई जेड मीन्स माइनस वन, जेड स्क्वायर मीन्स जीरो, एक्स जेड मीन्स प्लस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स प्लस टू। तो इसकी वैल्यू फिक्स है, और इससे प्रूफ भी हो गया कि जो डी सबसेल है उसमें पांच ऑर्बिटल होते, ये हो गए, क्लियर।
यस सर। और फिर इसमें आता है नेक्स्ट वन इज डी के बाद एफ सबसेल। एफ सबसेल मीन्स एल इज इक्वल टू 3। अब इसको यहां रखो माइनस एल 2 0 2 प्लस एल, कितनी वैल्यूस आ जाएंगे, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस 3। ठीक है तो 7 वैल्यूस आ गई। 7 वैल्यूस सर, यानी कि जो 7 ऑर्बिट्स है, 7 ऑर्बिटल हुए, तो पी सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। Yes. तो ये आपका हो गया इसका एफ मैग्नेटिक ऑर्बिट्स का। ठीक है तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? यस सर। अब आता है लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर होता है जो इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है ये? फर्स्ट वन इज इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। देखो एक या तो हो सकता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ एंटी क्लॉकवाइज दो हो सकते हैं, तो या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, दूसरी चीज क्या बताता है ये आपको, दूसरी चीज आपको ये बताता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस प्लस वन, फिर वही आ जाएगा एच अपॉन टू पाई। अगर मैं इसको एच हैस करूंगा तो जाएगा अंडर रूट एस एस प्लस वन और ये एच हैस, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसे। क्लियर है? यस सर। तो जहां पे L था वहां पे S आ जाएगा बस। S का मतलब अब इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं, ईच वैल्यू ऑफ M, नेक्स्ट आता है इसमें ईच वैल्यू ऑफ M, S हैव टू वैल्यूज, टू वैल्यूज, S की दो वैल्यू होती है, दैट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यानी अगर हम बॉक्स में दिखाएंगे तो एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ये अगर क्लॉकवाइज है प्लस वाला तो दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, देखो एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। ठीक है, तो हर एक एम की वैल्यू के लिए क्या होगी, एस की टू वैल्यूज होगी, यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है? यस सर। अब यहां से प्रूफ हो जाता है कि एक ऑर्बिटल में कितने होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब जितने ऑर्बिटल आए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम ओवरऑल निकालते हैं। देखो जैसे मैंने कहा एन इज इक्वल टू 1 है, एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एम इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, यानी कि जो K शेल है इसमें कौन सा होगा, S सबसेल होगा, और S सबसेल में क्या होगा, S ऑर्बिटल होगा, और S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो S में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर दूसरा देखो, मैंने कहा एन इज इक्वल टू 2, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा 0 एंड 1, एम इज इक्वल टू क्या होगा 0 के लिए 0 हो जाएगा, 1 के लिए क्या होगा माइनस 1, 0 प्लस 1। ठीक है, तो एस क्या होगा, एस इसके लिए क्या होगा माइनस और माइनस हाफ हो जाएगा, इसके लिए इसकी तीन वैल्यू है,
तो छह इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो एस में आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें सिक्स हो गए, टोटल कितने हो गए, एट इलेक्ट्रॉन। अभी हमने निकाला था ना कि यस सर, जो एम शेल, ओ सॉरी के एल, एल शेल में मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें से दो एस के पास होंगे और सिक्स किसके पास होंगे, पी के पास। ये पी के लिए देखो, माइनस वन का मतलब पी और जीरो का मतलब एस। एस तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि देखो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां से आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस में दो और एल शेल में एट इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में सिक्स से ज्यादा नहीं हो सकते। देखो पी में कितने हैं, तीन ऑर्बिटल हैं, तीन का डबल कर दो सिक्स, तो पी में सिक्स से ज्यादा क्या नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन। देखो शॉर्ट में अगर हम कहें एस पी डी एफ, ऑर्बिटल कितने हैं, देखो इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसमें थ्री, इसमें फाइव, इसमें इसमें फाइव सेवन, सेवन तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इसमें टू हाँ पहले में टू, इसमें एट थ्री टू जस्ट सिक्स, सिक्स डबल सॉरी करना, सिक्स यस सर, फिर इसमें टेन टेन और और इसमें इसमें 14, फोर्टीन। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा एस पी डी एफ में आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में टू से ज्यादा नहीं हो सकता है, पी में सिक्स से ज्यादा नहीं हो सकता है, डी में टेन से ज्यादा नहीं हो सकता है और एफ में 14 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका क्वांटम नंबर फिनिश हो गया। ओके सर, अब आपका कम ही बचा हुआ है कोर्स, ठीक है, इस चैप्टर का। तो कल आपके पास टाइम है ना, यस कल सर, छुट्टी होगी, यस सर।